हेलो एवरीवन, वेलकम इन द क्लास सेवेंथ मैथ्स चैप्टर 5 एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंट्रोडक्शन पार्ट। इन मैथ्स देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स लाइक अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, एलजेब्रा एक्सेट्रा। अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री अभी तक हम पढ़ चुके हैं और सीख भी चुके हैं। अर्थमेटिक में हम मेनली डील्स करते हैं नंबर्स से, और जहाँ पे कि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। एंड इन ज्योमेट्री मेनली हम फिगर्स एंड शेप्स से डील करते हैं लाइक पॉइंट, लाइन, ट्राइंगल एक्सेट्रा। नाउ एलजेब्रा इज वन ऑफ द अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी डील्स विद द नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। मैथ्स की एलजेब्रा जो ब्रांच है, यहाँ हम नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी अप टिल एक्स वाई जेड, इन अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नंबर्स जिन्हें कि हम कांस्टेंट भी कहते हैं और जिनकी वैल्यू क्या है, फिक्स होती है। अल्फ़ाबेट्स जिनकी वैल्यू जो है वेरी करती है, मीन्स चेंज होती है, तो इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, राइट। आफ्टर दिस पावर ऑफ अ वेरिएबल, अब जब हमने वेरिएबल देखा कि वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरी होती है, चेंज होती है, तो फिर इनके पास कुछ पावर भी होती है, और जिस वेरिएबल के पास जितनी पावर होती है वो उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो अब ये पावर का मतलब क्या हो गया, पावर मीन्स ऊपर। यहाँ मैथ्स में हम देख रहे हैं कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो लिखी हुई है वो उसकी क्या हो जाएगी, पावर। और इसे हम बोलने का हमारा कुछ वे भी है, पर पहले हम ये समझते हैं कि ये पावर आती कहाँ से है और इसे हम लिखते कैसे हैं। तो अगर हमने कोई भी एक्स ले लिया, एक वेरिएबल हमने एक्स ले लिया, तो एक्स इंटू एक्स करा, एक्स को एक्स से ही मल्टीप्लाई करा, तो फिर एक्स के ऊपर जो हमारी पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2। इसे हम एक्स स्क्वायर भी कहते हैं। सेम वैसे ही x को x से मल्टीप्लाई करेंगे और अगेन फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 times अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर x की पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो जितना किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो लिखा हुआ है नंबर, उसका मतलब क्या हो रहा है, उस वेरिएबल को जो बेस में हमारे पास में लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है, वो उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो फिर अब हमने 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, एंड सो ऑन ऐसा हो जाएगा। तो अगर x के ऊपर पावर 1 है तो उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली हम x भी लिख देंगे तो वो अंडरस्टूड है कि x के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, पावर 1 है। अब x के ऊपर अगर 0 लिखा हुआ है सपोज, क्योंकि हम 0 भी लिख सकते हैं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 होता है, वहाँ पे उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आगे भी हम अपने क्वेश्चंस में देखेंगे, सम्स में देखेंगे, बट अभी आपको ये समझना है कि अगर हमने किसी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 लगा दी तो उस पूरे होल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाती है। आफ्टर दिस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब हमने अपना प्रीवियस नॉलेज, जहाँ से हमने एलजेब्रा स्टार्ट की थी, एलजेब्रा में हम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट से डील करते हैं, तो फिर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे कि कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं, लाइक प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, राइट। तो
ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई, कांस्टेंट वेरिएबल और सारे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो वो क्या हो जाएगा? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 2 + x। अब यहाँ देखिए 2 जो है वो कांस्टेंट है, x जो है वेरिएबल है और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है प्लस, तो ये क्या हो गया? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक 2 - x², यहाँ भी सेम वही बात है, पावर तो हमने अभी सीखी है कि पावर तो उस वेरिएबल को उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके पावर आ गया, बट है तो ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही। नेक्स्ट अगर हम देखें 2 × x⁴ यहाँ पावर हमारे पास कितनी हो गई? 1/4 हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने रैशनल नंबर भी देखे हैं, रैशनल नंबर जो कि p/q फॉर्म के होते हैं, तो यहाँ पे हमारी पावर क्या हो गई? 1/4 हो गई, तब भी ये क्या है? हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। और हमने इसे क्या बोला? x⁴ जो पावर लिखी है उसे हमने रेज टू द कह दिया। रेज टू मतलब उसके ऊपर, रेज मतलब उसके ऊपर लिखी हुई है वो पावर हो गई। नेक्स्ट 3xy - 2x + 5 ये भी अनदर एग्जांपल है एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। यहाँ पे 3xy - 2x + 5 ये सारे ही जो हैं वो क्या है? एलजेब्रिक कंबाइंड रूप से ये क्या हो गया? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हमने एक मेनली हमने देखा कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ये देखा। अब हम इसके एक एक पार्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है कि एक्चुअली में इसका हर एक पार्ट कैसा होता है और ये कैसे दिखते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो थोड़ा सा और हम इसे एलेबरेट करते हैं। टर्म्स ऑफ एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने देखा कि जिसमें कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट वेरिएबल का प्लस माइनस इनटू डिवीजन साइन का। तो अब इसमें टर्म्स क्या होती हैं, इसे समझने के लिए हम कुछ इस तरह से समझेंगे। सपोज हमारे पास में एक बड़ा सा हाउस है, उस हाउस में बहुत सारे रूम्स होते हैं, तो ये जो रूम्स हैं ये आपस में वॉल्स के थ्रू सेपरेटेड होते हैं। तो यहाँ पे ये जो बड़ा सा हाउस है वो हमारा क्या है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये बड़ा सा जो हाउस दिख रहा है ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और उसके अंदर ये जो है छोटे छोटे से रूम्स दिख रहे हैं, यहाँ रूम्स दिख रहे हैं, और इन रूम्स को हम सेपरेट कर रहे हैं माइनस और प्लस साइन से। ओनली हम ये दो ही साइन से अपने जो रूम्स को हैं सेपरेट कर रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एक एक रूम्स हैं जहाँ पे कि हमने कुछ वैल्यू भी लिखी हुई है, ये एक एक रूम्स हमारे क्या हो गए? टर्म हो गए। यहाँ ये वाली फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, सेकंड रूम, और ये थर्ड रूम है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये थर्ड टर्म हो गई, और ये आपस में किससे सेपरेट है? माइनस एंड प्लस साइन से। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है कितने भी टर्म से मिलकर बन सकता है। एक टर्म वाला भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है एंड एक से ज़्यादा टर्म्स वाला भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, उसमें कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, और सेपरेट किससे होंगी? ओनली वो माइनस और प्लस साइन से सेपरेट होंगी। तो हम कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ हम ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि हर एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं। सो अगर हमने लिया फर्स्ट वन 3x, तो अब यहाँ पे हमें कोई प्लस या माइनस साइन नज़र आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। सो दैट मीन्स इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? ओनली 1, राइट। अब सेकेंड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें एक प्लस साइन नज़र आ रहा है, मतलब हमारी जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पार्ट्स में डिवाइड है। सो वन टर्म तो हमारी ये हो गई 3x, और सेकेंड टर्म हमारी क्या हो गई? 7y². तो यहाँ इस वाली एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। नाउ इन द थर्ड पार्ट
हमें एक प्लस साइन भी नजर आ रहा है और एक माइनस साइन भी नजर आ रहा है. सो दैट मीन्स हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड दिख रही है, 1, 2 and 3. तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए यहाँ पे, 3. इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट. सो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. आफ्टर दिस अब हम एक एक टर्म लेंगे और टर्म को और ज़्यादा अच्छे से एलेबरेट करके समझेंगे कि ये हर एक टर्म में क्या क्या होता है. सो हमने एक अपने पिछले वाले ही एग्जाम्पल की एक फर्स्ट वाली टर्म ले ली, दैट इज 3xy. यहाँ इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ये 3xy आपस में किस तरह से अटैच्ड हैं, किस तरह से कंबाइंड हैं, ये हमें देखना है. तो ये जो 3xy हैं ये आपस में, मैंने डिस्टेंस के साथ लिख दिया 3x एंड y, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन साइंस के साथ में आपस में कंबाइन है. और ये मल्टीप्लिकेशन साइन हमें पता है कि अगर हम कितनी भी दो या तीन चीज़ों को मल्टीप्लाइड करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट. तो दैट मीन्स हमारी जो ईच टर्म है, ईच टर्म के अंदर इस वाली पर्टिकुलर टर्म में के प्रोडक्ट हैं 3 × x × y, राइट. ऐसे हर टर्म में हम उसके प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्या क्या मल्टीप्लाइड हैं आपस में. और जो ये प्रोडक्ट हैं वो ही हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे. उन्हें हम कॉमा के साथ में अलग अलग लिख के बता सकते हैं कि हमारी जो टर्म है 3xy उसके कितने फैक्टर्स हैं, 3x and y, 3 factors है उसके, राइट. अब इसी टर्म में इन फैक्टर्स को कुछ हम और सेपरेट कर देते हैं और इनके कुछ अलग अलग नेम्स दे देते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए कि इनके नेम क्या हैं. सो न्यूमेरिकल फैक्टर का इनिशियल जो है नंबर से हमें दिख रहा है. नंबर तो डेफिनेटली इसका रिलेशन किससे होगा, नंबर से होगा. और नंबर हमारे पास यहाँ पे कितना है, 3. तो न्यूमेरिकल फैक्टर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया. अब वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल हमारे पास यहाँ x और y हमें दिख रहे हैं क्योंकि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वही तो वेरिएबल होते हैं. तो यहाँ हमारे कौन से हो गए वेरिएबल फैक्टर, x भी हो गया और y भी हो गया, राइट. तो ये हमारे टर्म के अंदर जो फैक्टर्स थे उन फैक्टर्स के हमने अलग अलग नेम्स भी देख लिए. एक पार्ट ये हो गया एंड अनदर पार्ट ये वाला हो गया. अब एक नया वर्ड हम इंट्रोड्यूस करते हैं मैथमेटिकल, जो कि कोफिशिएंट्स कहलाता है. अब ये कोफिशिएंट क्या हो गया, तो कुछ भी अलग नहीं है. जो हमने फैक्टर देखा अपने लोअर क्लासेस में, जो हमने फैक्टर सीखा न्यूमेरिकल फैक्टर, वही हम उसे एक और न्यू नाम दे देते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स. तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन हो गया, 3 हो गया. और ठीक वैसे ही वेरिएबल फैक्टर्स जो होते हैं तो उन्हें हमने लिटरल कोफिशिएंट कह दिया, या अगर हम वेरिएबल कोफिशिएंट भी बोलते हैं तो वो भी करेक्ट है और सेम ही है. तो ये क्या हो गए, एक्स एंड वाई हो गए, राइट. आई थिंक अब ईच टर्म में हमने जो प्रोडक्ट, फैक्टर्स एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड लिटरल कोफिशिएंट या वेरिएबल कोफिशिएंट्स जो हमने देखा, इट इज क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स. नाउ आफ्टर दिस लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, जब हमने ईच टर्म के बारे में बात कर ली तो अब इन टर्म्स में से लाइक मतलब यहाँ सेम से मतलब है, और अनलाइक जो डिफरेंट है, सेम नहीं है. तो लाइक टर्म्स कौन सी होंगी और अनलाइक मीन्स सेम वाली कौन सी टर्म होंगी और डिफरेंट वाली टर्म्स कौन सी होंगी, ये हम आइडेंटिफाई करना देखेंगे. सो हियर हमने 3xy लिया था स्टार्टिंग में, तो वो ही हम पहले ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. इससे जो लाइक टर्म्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, 6xy एंड -2yx. तो अब ये लाइक टर्म्स के एग्जाम्पल देख के आप समझ पा रहे होंगे कि लाइक हम किससे कह रहे हैं. लाइक हम कह रहे हैं जो वेरिएबल्स उसके अंदर हैं, हमारी टर्म में जो वेरिएबल हैं, हम उस वेरिएबल को देखकर
बता रहे हैं कि वो लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म है। डेफिनेटली लाइक और अनलाइक टर्म किस पर बेस्ड है? वेरिएबल्स पे। किसी भी टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उस पर बेस्ड है लाइक एंड अनलाइक। तो यहाँ एक्स और वाई है वेरिएबल, यहाँ नेक्स्ट में भी एक्स और वाई है, और यहाँ वाई और एक्स है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने वाई पहले लिख दिया क्योंकि दोनों ही मल्टीप्लीकेशन में एक्स इंटू वाई है या वाई इंटू एक्स है, दोनों ही सेम है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये तीनों ही हमारी क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। वन टू एंड थ्री ये हमारी सारी लाइक टर्म्स हो गई। दैट मीन्स जो टर्म्स लाइक और अनलाइक वेरिएबल पर बेस्ड है, नंबर जो उसके साथ में लगे हुए हैं, कॉफिशेंट जो उसके साथ में मल्टीप्लाइड हैं, उन पर बेस्ड नहीं है, राइट। तो फिर अनलाइक टर्म्स कौन सी हो गई हमारी, एक्स वाई तो हमने लिया ही था, अब हमने यहाँ ले लिया एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। तो अब देखो पावर यहाँ चेंज हो गई, वेरिएबल की पावर चेंज हो गई, तो ये और ये अनलाइक है, लाइक बिल्कुल भी नहीं है। एंड सेम एक्स जेड क्यूब हो गया, तो यहाँ पे तो वाई गायब ही हो गया और क्या आ गया, जेड आ गया, और जेड की पावर भी आ गई थ्री, तो ये तो बिल्कुल ही अनलाइक है, राइट। तो आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स को भी आइडेंटिफाई करना आ गया। आफ्टर दिस वन मोर कॉन्सेप्ट, पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल, अब ये पॉलीनोमियल क्या है, हम इसे कैसे पहचानेंगे? तो सिंपली इट्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे कि जो वेरिएबल की पावर होती है वो किस में होती है, होल नंबर्स में होती है। होल नंबर हमें पता है जो स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमने अभी अभी देखा, एग्जांपल भी देखे, और हमने ये भी देखा कि उसके ऊपर पावर, उसमें हमारे पास में कौन कौन होता है, कॉन्स्टेंट होता है, वेरिएबल होते हैं, उसकी पावर भी होती है, प्लस माइनस इनटू साइन भी होते हैं, तो वो हो गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब उस पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें पावर कैसी चाहिए, होल नंबर में चाहिए। तो हमने वही वाले एग्जांपल लिए हैं जो हमने अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिए थे, दैट मीन्स 2 × x^1/4। तो स्पेशली हमने ये इसीलिए सेम एग्जांपल लिए हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का तो है बट ये पॉलीनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की पावर 1/4 है, और हमें पावर क्या चाहिए वेरिएबल की, हमें होल नंबर में चाहिए पावर। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ तो 1/4 है और ये होल नंबर बिल्कुल भी नहीं है, दैट मीन्स ये जो है हमारा, ये क्या हो गया हमारा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलीनोमियल नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल हमने वही लिया है 3xy-2x+5। तो ये जो है, यहाँ देखिए वेरिएबल की जो पावर है कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स 1, 1 है, x की पावर भी 1, y की पावर भी 1, यहाँ भी x की पावर 1, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, बट फिर भी ये अगर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे x की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, उसका मतलब 1 होता है और वो इंटू है 1। तो दैट मीन्स हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर में ही है। तो ये जो है वो एब्सोल्यूट एग्जांपल है किसका, पॉलीनोमियल का, राइट, पॉलीनोमियल। तो जब हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझा, उसके बाद हमने पॉलीनोमियल को भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई और अच्छे से सीखा। अब कुछ टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स की, ये पॉलीनोमियल्स के क्या टाइप्स हो सकते हैं, इनके कुछ नेम्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत तरह के पॉलीनोमियल्स होते हैं। लाइक मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स कोई भी पॉलीनोमियल जिसमें वन टर्म होती है उसे हमने क्या नाम दे दिया, मोनोमियल। उसका एग्जांपल हमने जो अभी एग्जांपल्स लिए थे वही सेम लिया है कि 3x जो है, यहाँ पे हमें प्लस और माइनस साइन नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ वन टर्म है और वन टर्म है, तो ये क्या हो गया हमारा, मोनोमियल। इन द सेम वे बाइनोमियल, ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें टू टर्म्स हैं वो हो गया हमारा बाइनोमियल। एंड लाइक दैट ट्राइनोमियल, ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें 1, 2, 3 टर्म्स हैं, और टर्म्स हमें पता ही हैं प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड होती हैं, तो यहाँ बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और उसका नाम हो गया ट्राइनोमियल। आफ्टर दिस जब हमने पॉलीनोमियल देख लिया, पॉलीनोमियल्स के नेम देख लिए, तो अब पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल एंड पॉलीनोमियल इन टू वेरिएबल,
ये भी बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन वेरिएबल है, तो उसे हम कह देंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लाइक हमने लिया था 3x, इसके साथ में मैं प्लस वन भी ले लेती हूँ, तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ एक ही वेरिएबल है x, तो हमने कह दिया ऐसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब नाउ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, तो ये हम बोल देते हैं इसे 3x प्लस 2y। ये देखिए x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ हमने इसे कह दिया पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, राइट। जहाँ दो वेरिएबल दिख रहे हैं वो दो वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल, जिसमें वन दिख रहे हैं वो वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल, वेरी सिंपल। अब जो हमने एक पावर की बात की थी, उसी पावर को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिग्री भी कहते हैं, और वो डिग्री किसकी, पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में हम देखेंगे। तो सिंपली हमने क्या किया था, पावर हमने कहाँ लगाई थी, वेरिएबल के ऊपर, और हमने रेस टू द पावर भी कहा था, तो वो जो रेस टू द पावर था वही हमारा क्या है, डिग्री है, किसकी, पॉलिनोमियल की। तो हम अगर उसका डेफिनेशन देखें उसकी, तो हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो थोड़े से हम उसके एग्जाम्पल वही सेम वाले ले लेते हैं, ताकि आपको ये चीज़ जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्योंकि ये हायर क्लासेस तक हमें ये कंसेप्ट चलेंगे, और तब हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, ताकि कहीं भी किसी भी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट में आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 3x हमने लिया है, तो 3x यहाँ वेरिएबल की, हमने कहा डिग्री मतलब वेरिएबल की जो पावर है, यहाँ वेरिएबल x है, x की पावर कुछ नहीं लिखी है, दैट मीन्स क्या है, 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 1। और अगर हम इस पॉलिनोमियल का नेम की बात करें, तो क्या नेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 टर्म है, तो इस पॉलिनोमियल का क्या नेम हो गया, मोनोमियल, और मोनोमियल में हमारी डिग्री कितनी है, 1, राइट। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मोनोमियल ऐसा भी हो सकता है, 3x स्क्वायर भी हो सकता है, डिग्री डिफरेंट हो सकती है, किसी भी पॉलिनोमियल में एक टर्म हो, डिग्री अनदर हो सकती है, बट यहाँ हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें डिग्री भी 1 है और टर्म भी एक है, इसीलिए वो मोनोमियल भी और डिग्री भी 1 है। नाउ इन द सेकेंड 2 टर्म्स दिख रही हैं और डिग्री की बात करें, तो यहाँ x के ऊपर पावर जो है 1 है, और यहाँ y के ऊपर पावर 2 है। अब इन दोनों में से हम कौन सी डिग्री लेंगे, जो हाईएस्ट वाली है, क्योंकि हमने कहा है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 डिग्री हो जाएगी हमारी, पॉलिनोमियल की डिग्री 2, राइट। सो लाइक दिस इन द थर्ड पार्ट, यहाँ मेरे पास इस 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन कोई वेरिएबल नहीं है तो 5 × 1 तो मैं लिख सकती हूँ इसे, 5 × 1, और 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 को लिख सकती हूँ 5 × x की पावर 0 लिख सकती हूँ, तो इस वाले टर्म की जो है मेरी क्या हो गई, वेरिएबल की पावर 0। अब सेकेंड टर्म में मैं बात करूँ, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, और यहाँ थर्ड में वेरिएबल की पावर कितनी है, 3। अब इन तीनों में से हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 3 है, तो पूरे ही मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, राइट। इन दिस वे हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, कितनी भी टर्म्स हैं उसमें, 1 या 1 से ज़्यादा कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, तो वहाँ मैं ईच टर्म की जो है डिग्री कैलकुलेट करूंगी, और उसमें से देखूंगी कि सबसे ज़्यादा बड़ी डिग्री कौन सी है, और वही मेरी पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री भी हो जाएगी, राइट। सो इन दिस वे हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा ध्यान से समझे, पॉलिनोमियल भी समझा, उसकी डिग्री भी कैलकुलेट करना सीखी। नाउ वी विल यूज ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इन आर एक्सरसाइज पार्ट, सो हियर दिस इज द एंड ऑफ दिस इंट्रोडक्शन पार्ट, आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट आर एक्सरसाइज।